गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट। बेसिकली कंसोलिडेशन मतलब मैं अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तुम्हारे साथ कंबाइन करके दिखा रहा हूं। नाउ ऐसा कौन कौन से केसेस में होता है? अगर मैंने तुमको खरीद लिया, दैट इज अमलगमेशन अब्सॉर्प्शन, उसमें तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। If I purchase your business, then your business is no more into existence. तो तुम्हारा सारा assets and liabilities मेरा हुआ। तुम्हारा shareholder लोग को मैं बदले में अपना company का share दे दूंगा। Business जब acquire होता है तो ऐसे ही होता है। तो मैंने तुम्हारा business खरीदा, मतलब तुम्हारा assets and liabilities मेरा हुआ। तुम्हारे shareholder के पास में पुराने company का share था, उनको मैं नया company का share दे दूंगा, मैं अपना share दे दूंगा। तो योर बिजनेस गॉट क्लब्ड इन टू मी एंड योर शेयर होल्डर बिकेम माई शेयर होल्डर। सिंपल। सो कैन आई से दिस इज नॉर्मल परचेस ऑफ एसेट बाई इशू ऑफ शेयर? आज अपने एसेट खरीदते हैं, शेयर इशू करते हैं, बदली में उसका मतलब क्या होता है? इशू ऑफ शेयर किया है ना, इशू ऑफ शेयर में है ना, हमने एसेट खरीदा, बदले में अपन शेयर इशू कर दिया। यहां पर अपने बिजनेस खरीदा, बदले में शेयर दे दिया, शेयर उसके शेयर होल्डर को दे दिया डायरेक्टली, राइट। दिस इज अमलगमेशन अब्सॉर्प्शन। कंसोलिडेशन में क्या होता है? मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ क्लब करके दिखाया जाएगा। तुम मरे नहीं हो, तुम भी जिंदा हो। ये मेरा एडिशनल रिक्वायरमेंट है। मैं अपना फाइनेंशियल बनाया, तुम अपना फाइनेंशियल बनाया। मैं अपना बैलेंस शीट, तुम अपना बैलेंस शीट। मैं अपना पीएल, तुम अपना पीएल। मैं अपना कैश फ्लो, तुम अपना कैश फ्लो, राइट। नाउ मैं अपना तो बनाया ही, साथ में मेरे पे एक मैंडेट डाला जा रहा है कि मेरे को तुम्हारा वाला कम क्लब करके दिखाना पड़ेगा। उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एंड जिसका फिगर मैं क्लब कर रहा हूं वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? वो मर जाता है, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कौन कौन से रिलेशन में होता है। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का मोर देन 50% शेयर होल्ड करता है, या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर है, देन दिस अनदर कंपनी इज इन माय कंट्रोल। तो यहां पे कंपनी ए हैज अक्वायर्ड मोर देन 50% शेयर्स ऑफ कंपनी बी, या मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी बी का मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट या रिमूव करने का पावर है मेरे पास, then in that case I am your holding company, parent company, you are my subsidiary company. मैं अपना financial statement बनाऊंगा, तुम अपना बनाओगे। Companies Act क्या बोलता है? Holding company को एक consolidated भी बनाना पड़ेगा with subsidiary. अब consolidation बनाना कैसे है, वो accounting standard 21 में लिखा हुआ है। कंपनी एक्ट बोला कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनेगा कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपका मोर देन 20 लेस देन 50 देन यू आर माय एसोसिएट, और यू आर इन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस विथ मी, तो वो एएस 23-27 में। अभी तो अभी हमने खाली कंसोलिडेशन का बात करेंगे, होल्डिंग सब्सिडियरी। तो पहला बात, हमारे बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप होना चाहिए। होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप कैसे होता है? अगर मेरे पास तुम्हारा मोर देन 50% शेयर है, अगर मेरे पास पावर है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंट और रिमूव, देन इन दैट केस यू आर अंडर माई कंट्रोल। तो इसमें होल्डली ओन्ड भी होता है, पार्शियली ओन्ड भी होता है। मैं चाहूं तो मैं पूरा 100% कंट्रोल कर रहा हूं तुमको, या पार्शियली ओन्ड भी होता है। अगर 100% कंट्रोल्ड हो तो माइनॉरिटी है ही नहीं। माइनॉरिटी मतलब अदर शेयर होल्डर्स, राइट। और अगर पार्शियली ओन्ड है तो देयर विल बी माइनॉरिटी, राइट। तो अभी अपने को लास्ट क्लास अपने ये एग्जांपल देखा था कंसोलिडेशन का, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या किया हमने? पहले इन्वेस्टमेंट को हम ट्रू वैल्यू पे दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट को जैसे ही हम ट्रू वैल्यू पे दिखाएंगे तो हमको यह मालूम चलेगा मेरा जो सौदा हुआ
ये सस्ते का सौदा हुआ कि महंगे का सौदा हुआ? सस्ता सौदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व दिखेगा बुक्स में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और महंगे का सौदा हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट गिरेगा, गुडविल आएगा बुक्स में। अब उसके बाद मैं इस इन्वेस्टमेंट में चिंगारी लगाऊंगा, मैंने तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब तुम्हारे कंपनी का टू दैट परसेंट, जैसे यहां पे 80% था हमारे एग्जांपल में, 80% एसेट एंड लाइबिलिटी मेरा हुआ, तो इन प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आई विल शो 80% ऑफ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिमेनिंग 20% ऑल्सो आई विल शो बिकॉज इट इज नॉट ओन बट अंडर माई कंट्रोल, बीबी नंबर वन, मेजोरिटी शेयर मेरे पास में है। सलमान खान के पास में 49% होल्डिंग था, बट वो फिर भी कुछ नहीं कर पाया, करिश्मा कपूर आई और उसका शूटिंग रिकवा दी। तो जितना मेरे कंट्रोल में वो तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट को तोड़ के दिखा दूंगा, बाकी का जो मेरा ओन्ड नहीं है बट मेजॉरिटी पावर मेरे पास है ना, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा, बट उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। सो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट आई हैव वो मेरे बुक्स में एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट है, बट तुम्हारे बुक्स में वो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है। तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस क्या था, पहले जर्नल एंट्री वाइज ये हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉर्मल इसकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से होगी। जर्नल इन्वेस्टमेंट खरीदा मैंने, किसी भी कंपनी का शेयर जब आप खरीदेंगे इसी तरीके से एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप पहले इन्वेस्टमेंट को पूरा वैल्यू पे दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट को पूरा वैल्यू पे दिखाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा और बुक्स में आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। सो बेसिकली यू आर कंपेयरिंग योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ बुक वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर फंड इन सब्सिडियरी कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। ये तो ऑलवेज ये 80% का ही है, लेकिन ये 80% ये टोटल शेयर होल्डर फंड का 80% लेंगे। अब इन्वेस्टमेंट 3:20 का हो गया, तो मैं इन्वेस्टमेंट को तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, 80% ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ दैट कंपनी। चिंगारी लगाई मैंने, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी 80%, बाकी का 20% मेरा नहीं है बट माइनॉरिटी बोल के दिखाऊंगा। तो एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है कंसोलिडेशन में, मेरा अपना फिगर के साथ तुम्हारा वाला कंबाइन हो रहा है, करंट एसेट नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी सिंपली एड विद द फिगर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है टू द एक्सटेंट शेयर होल्ड बाय होल्डिंग वो मेरा इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, टू द एक्सटेंट शेयर्स ओन्ड बाय होल्डिंग कंपेयर विथ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा और टू द एक्सटेंट नॉट ओन माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। अपन को ये ऊपर वाला जनरल एंट्री नहीं पूछेगा, ये खाली समझाने के लिए है। अगर होल्डली ओन सब्सिडियरी है पॉइंट नंबर टू में खत्म हो जाएगा, पार्शियली ओन्ड हुआ तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा। होल्ली ओन्ड में ऑटोमेटिकली फुल कंसोलिडेशन ही होता है, बट पार्शियल ओन्ड में दो टाइप का कंसोलिडेशन कर सकते हैं, फुल पार्शियल। तो जितना मेरा शेयर है उतना ही दिखाना है, तो इसको पार्शियल कंसोलिडेशन, और पॉइंट नंबर थ्री भी इंक्लूड करेंगे तो फुल कंसोलिडेशन, राइट। ये समरी हो गया, तो होल्डिंग का अपना फिगर के साथ में सब्सिडरी का सारा एसेट लाइबिलिटी जोड़ दो, इसमें ओन्ड भी आ गया प्लस नॉट ओन्ड भी आ गया,
इन्वेस्टमेंट को तोड़ दो और वर्किंग नोट बना लो जिससे कि गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाए और माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा दो। तो यही हमने आपको लास्ट क्लास करवाया था। राइट तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग का सारा अपना आएगा, सब्सिडियरी का खाली एसेट लायबिलिटी आएगा, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। टू द एक्सटेंट शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग वो इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाएगा एंड नॉट ओन्ड माइनॉरिटी आ जाएगा। देखो सब्सिडियरी का जो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है 80% यहां से लेस हो गया, 20% माइनॉरिटी बोल के आ रहा है। तो यहां पे खाली ओनली होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इसी टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। राइट देयर आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी विल डू टुडे। आइए ये चंद एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोला है, हा? क्या करना है सिंपल सोचो। यहां पे लिखा है इन्वेस्टमेंट 80% इन विच कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी में मेरा होल्डिंग है, मेरा इन्वेस्टमेंट कहां है, एस लिमिटेड में है ना। ये कॉलम वाइज दिया हुआ, लेकिन ये अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाया, ये अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाया, दोनों का अपना अलग अलग बैलेंस शीट है। अब अपने को कंसोलिडेशन बनाना है, रूल क्या है, मेरा फिक्स्ड एसेट के साथ सब्सिडियरी वाला ऐड होगा, 80% तो मेरा अपना है, 20% मेरा नहीं है तो क्या हुआ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो मेरा फिक्स्ड एसेट के साथ तुम्हारा फिक्स्ड एसेट पूरा ऐड होगा, मेरा करंट एसेट के साथ तुम्हारा करंट एसेट पूरा ऐड होगा, मेरा करंट लायबिलिटी के साथ तुम्हारा करंट लायबिलिटी पूरा ऐड होगा। हो गया डन। इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देंगे और इसको सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाएगा, मेरे बुक्स में एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट है, मेरे पास में शेयर है, आई एम द इन्वेस्टर, तुम्हारे बुक्स में वो शेयर कैपिटल है ना, मैं सब्सिडियरी का शेयर होल्डर हूं, तुम्हारे बुक्स में क्या है, तुम यहां पे है ना होल्डिंग, ये जो शेयर होल्डर रजिस्टर, ये जो सब्सिडियरी का 2 लाख का शेयर कैपिटल, इसमें किसका किसका नाम है, सब्सिडियरी का शेयर होल्डर लिस्ट में किसका किसका नाम है, होल्डिंग का नाम है 80%, बाकी 20% माइनॉरिटी। तो इधर मैं एसेट भी दिखाऊं और इधर मैं शेयर कैपिटल भी दिखाऊं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कंसोलिडेटेड में क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाएगा और सेट ऑफ किसके साथ होगा, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन सेट ऑफ 80% ही होगा, बाकी 20%। इसका मतलब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में किसका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, खाली होल्डिंग कंपनी का आएगा। सब्सिडियरी का तो 80% सेट ऑफ हो रहा है, 20% माइनॉरिटी बोल के आ रहा है, शेयर कैपिटल बोल के नहीं आ रहा। तो कंसोलिडेटेड में आएगा क्या, फिक्स्ड एसेट दोनों, करंट एसेट दोनों, और इसका बस खाली ये तो सेट ऑफ हो जाएगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और जब सेट ऑफ होगा तो गुडविल कैपिटल रिजर्व जो भी आए,
हाँ एकदम बढ़िया भाषा में समझना है, क्लियर? आइए, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिख कर दिया था कल समझाने के लिए। क्वेश्चन 1, ठीक है? सबसे पहला शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल खाली होल्डिंग का आएगा, खाली होल्डिंग का शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस भी खाली होल्डिंग का आएगा, ठीक है? पीएलए 2 लाख। अच्छा, गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है ना, शेयर कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस खाली होल्डिंग का आएगा, लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट को, मेरा इन्वेस्टमेंट को तुम्हारा शेयर कैपिटल के साथ कंपेयर करूंगा तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है। तो इसलिए नोट नंबर 1 बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड, ये तुमको किसके बुक से मिलेगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कहां पे है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कौन से बुक से मिलेगा? दो बैलेंस शीट है ना, एक होल्डिंग का बैलेंस शीट है, एक सब्सिडरी का बैलेंस शीट है। होल्डिंग में मिलेगा, वेरी गुड। ये कहां से मिलेगा आपको? होल्डिंग के बैलेंस शीट से, फ्रॉम होल्डिंग्स बैलेंस शीट। कितना है? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मतलब मैं किसका शेयर होल्डर हूं? सब्सिडरी का। तो मैं किसके शेयर कैपिटल में हूं? सब्सिडरी के। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मतलब मैं किसका शेयर होल्डर हूं? मैं सब्सिडरी का शेयर होल्डर हूं। मैं किसके शेयर कैपिटल में हूं? उसी को तो सेट ऑफ कर रहे हैं ना। तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड है ना।
मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इस शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, वो अलग बात है। मैंने डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया, मैंने उस शेयर होल्डर से शेयर ले लिया, एक ही बात है, मेरा ही माना जाएगा ये, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन माइन, माय कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका कितना है? 2,80,000। और ये कहां पे मिलेगा? ये दोनों फिगर किसका बैलेंस शीट में मिलेगा? सब्सिडियरी के बैलेंस शीट में मिलेगा, जाहिर सी बात है, जिसका शेयर कैपिटल उसके बैलेंस शीट में 1,00,000 का 80% कितना आ रहा है? 160 80। हाँ 80% ही ओनरशिप है ना मेरा। देखो यहां पे लिखा 80% होल्डिंग है, 80% शेयर खरीदा है मैंने, तो ये जो शेयर होल्डर फंड है इसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने किया है। आज के दिन में शेयर होल्डर फंड क्या है? देखो आज के दिन में 31 मार्च 99 और 31 मार्च 99 को मैंने शेयर खरीदा है, आज के दिन में इसका 80% पैसा मैंने दिया है। तो यहां पे आएगा 2,00,000। बाकी का जो शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी का, तो अल्टीमेटली सब्सिडियरी का जो शेयर कैपिटल है वो सेट ऑफ हो गया 80%, 20% माइनॉरिटी बोल के आएगा। डन। अब तो चिंता ही नहीं है, लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स ऐड होगा, मेरा 2,00,000, तुम्हारा 1,00,000, क्योंकि हमने अपना भी दिखाना है और माइनॉरिटी वाला भी दिखाना है। 2,00,000 तो मेरा अपना है ही, 1,00,000 का 80% ओन्ड है, बाकी 20% माइनॉरिटी है। कितना है? 60 एसेट। बोलो मेरा अपना कितना है? 5 + 2 = 2, ठीक है।
10 नंबर, ठीक बड़े आ गए। चलो नेक्स्ट। बैलेंस शीट डेट क्या है? 31 मार्च 08। ठीक है, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट डेट है उसी दिन हमने शेयर खरीद लिया सब्सिडियरी का। कोई बता पाएगा मैंने कितना परसेंट शेयर खरीदा है? हमने 1500 शेयर खरीदा है। देखो पंद्रह सौ शेयर किसका खरीदा? सब्सिडरी का। तो सब्सिडरी का 2 लाख शेयर कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कितना हुआ? 2000 शेयर। तो 1500 मेरे पास में है, 2000 में से कितना हुआ? समझ गया। ठीक है, तो मैंने 75% शेयर खरीदा, इसका मतलब इसका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का, हालांकि पीएल इसका है नहीं, इसका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का 75% किसने दिया है? मैंने दिया है। इसका कंट्रीब्यूटर कौन है? गॉट माय पॉइंट? इसका कंट्रीब्यूटर कौन है? मैं हूं, मैं खुद हूं इसका कंट्रीब्यूटर। तो कंसोलिडेटेड में क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये 75% सेट ऑफ हो जाएगा। डिफरेंस विल गिव मी कैपिटल रिजर्व और बाकी 25% का, दैट्स इट। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में किसका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आता है? खाली होल्डिंग का। सब्सिडरी का टू द एक्सटेंट ऑफ 75% तो सेट ऑफ हो रहा है, बाकी 25% माइनॉरिटी बोल के आ रहा है, शेयर कैपिटल बोल के नहीं आ रहा है।
सबसे पहले नोट नंबर वन, हम लोग को होल्डिंग रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड। मेरे पास में 1500 शेयर है, उन लोग के पास में टोटल 2000 शेयर्स। ठीक है, राइट। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल किसका आएगा, खाली कितना, 6 लाख। नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका आएगा, होल्डिंग का कितना है, 80,000। और कैपिटल रिजर्व हो सकता है, सॉरी नोट टू होगा ये, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कहां से मिलेगा, किसके बैलेंस शीट से मिलेगा, होल्डिंग के बैलेंस शीट से। कितना है, 1,50,000। और इसको कंपेयर करना है सब्सिडरी का शेयर कैपिटल से, 2 लाख का 75%, दैट इज 1.5 लाख। पीएल ऑफ सब्सिडरी 0 का 75%, दैट इज 0। अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा है। ठीक है ना, माइनॉरिटी बना लो,
क्रिएटर्स मेरा अपना कितना है? और तुम्हारा कितना है? वन लैख 23। लिखो एक एक का बताओ। मेरा कितना है? और उधर कितना है? टोटल कितना आ रहा है? तो सारा एसेट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी से। अब बाकी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी माइनॉरिटी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बैलेंस शीट डेट क्या है? मार्च 2008। लेकिन हमने शेयर कब खरीदा है? 1 साल पहले, 1 ईयर अगो। मैं जब भी कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं किस चीज का कंट्रीब्यूट करूंगा? जब भी कोई नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, वो क्या बेसिस पे लाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो जो भी जनरल रिजर्व होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, उसको अपने क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब आज के दिन में जो प्रॉफिट है उसका बात करो, गुडविल कॉम्पेंसेशन तो अलग चीज हो गया, बट आज के दिन में आपके बुक्स में जो प्रॉफिट है, मैं जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा मैं उसके बेसिस पे करूंगा। तो मैंने तुम्हारा शेयर खरीदा है, देखो खरीदा है ना, 1500 शेयर मैंने खरीदे हैं। तुम्हारे टोटल शेयर कितने हैं? 2000।
75% हुआ, मतलब मैं तुम्हारा शेयर कैपिटल का और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्ट्रीब्यूटर हूं। लेकिन ये जो शेयर कैपिटल है ये तो शुरू से लेके अभी तक 2 लाख ही है, लेकिन प्रॉफिट तो डे बाय डे चेंज हो रहा है ना। प्रॉफिट आज है, बैलेंस शीट में आज का प्रॉफिट दिखा रहा है 31 मार्च 2008। ये प्रॉफिट 31 मार्च का है। क्या आज मैंने शेयर खरीदा है? शेयर कब खरीदा? जिस दिन खरीदा उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस क्या था? 1.5 लाख। मैंने इसका कंट्रीब्यूशन किया है, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। इसका मतलब हमेशा याद रखना, गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो निकालते हैं अपन, इज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो आता है, बट इसकी कैलकुलेशन कब होगी? 31 मार्च को नहीं। अभी तक जितना भी सम किया देखो, जो हमारा बैलेंस शीट डेट था उसी दिन हमने शेयर खरीदा, जो हमारा बैलेंस शीट डेट था उसी दिन हमने शेयर खरीदा, लेकिन यहां पे बैलेंस शीट डेट मार्च 8 का है, हमने शेयर 1 साल पहले खरीद लिया। तो इसका मतलब जिस दिन मैंने शेयर खरीदा उस दिन प्रॉफिट था 1.5 लाख। इस प्रॉफिट का मैंने कंट्रीब्यूशन किया है क्योंकि इसी के बेसिस पर मैं कैपिटल लेकर आया हूं। अगर इससे ज्यादा लेकर आऊंगा तो गुडविल भी है, लेकिन टू दिस एक्सटेंट आई हैव ब्रॉट द कैपिटल। शेयर प्राइस में क्या क्या होता है बताओ ना। आज सपोज करो मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, मेरे को समझाओ, सिंपल सा फंडा समझाओ। स्टार्ट में कंपनी जब शुरू है 10 रुपए शेयर का दाम, मैंने 10 रुपए लगाया। अब 1 साल बाद मान लो अर्निंग पर शेयर 2 रुपया, तो 10+2 शेयर का दाम 12 हो गया। तो आज जो भी आदमी शेयर खरीद रहा है वो कितना रुपया देगा? तो वो 10 रुपया कैपिटल का पे किया, 2 रुपया प्रॉफिट का पे करेगा ना। अब अगले साल मान लो 10 रुपया कैपिटल, टोटल प्रॉफिट 5 रुपया, तो 15 रुपया हो गया। तो आज के दिन जो खरीदेगा वो कितना रुपया दिया? 10 रुपया कैपिटल का देगा, 5 रुपये। तो मैं जिस दिन शेयर खरीदूंगा उस दिन क्या बात है वो तो बताओ। शेयर प्राइस में कैपिटल भी होता है प्रॉफिट भी होता है। आज मैं रिलायंस का शेयर मान लो 2000 रुपए का है, तो 2000 थोड़ी शेयर कैपिटल, उसमें शेयर कैपिटल भी है प्रॉफिट एलिमेंट भी है। तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जो होता है इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट एलिमेंट। इट मींस व्हेनेवर आई बाय आई एम मेकिंग पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी अर्नड। अब मान लो मैंने शेयर यहां पर खरीदा है, अब तुमको साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट 3 रुपए से इंक्रीज हो गया, तो क्या मैंने इस 3 रुपए का पैसा दिया है? नहीं। जो यहां खरीदेगा वो मेरे को 3 रुपया भी देगा, 12+3। मैंने शेयर कहां खरीदा है? मैंने शेयर यहां खरीदा, इधर मैं परचेस किया, इधर में। अब अगले साल ये 2 रुपया बढ़ के 15 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया, 15 रुपया, तो 3 रुपया का प्रॉफिट है। हैव आई पेड फॉर इट? मैंने पैसे तो मैं बार बार तो नहीं दूंगा ना शेयर का पैसा, एक ही बार दूंगा। तो ये जो इंक्रीज इन प्रॉफिट है, दिस इज
अर्निंग्स, दिस इज अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टर। ये दो प्रॉफिट का मैं भरूंगा, ये दो मैंने खरीदते वक्त पैसा दिया है, दिस इज पेड, तो मैं 12 रुपया दिया हूं, 10 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रॉफिट जो ऑलरेडी अर्न कर ली है कंपनी। अब कंपनी ने और 3 रुपया कमाया है मेरे शेयर खरीदने के बाद, तो ये तो मेरी भी कमाई मानी जाएगी ना, नहीं तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा। आज मान लो कंपनी और 3 रुपया कमा रही है, बोलती वापस 3 रुपया दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आज अगर मैंने यहां इन्वेस्ट किया होता तो ये 2 रुपया भी मेरी कमाई होती, ये 3 रुपया भी मेरी कमाई होती है। लेकिन मैंने यहां पे शेयर परचेस किया, इधर में शेयर परचेस इधर में, तो अब मैं शेयर खरीदते वक्त मैं कितना रुपया दूंगा, क्यों 10 रुपए क्यों नहीं दूंगा, मैं तुमसे खरीदूंगा, तुमसे खरीदूंगा मैं ये शेयर, सपोज करो, तो तुम मेरे को 10 में बेचोगे कि 12 में, क्यों 12 में क्यों बेचोगी, तुम बोलोगी देखो मैंने 10 में कंपनी से खरीदा था, प्लस कंपनी ने अभी तक 2 रुपया कमा लिया है, ये 2 रुपया कमाई का हकदार मैं हूं, तुम नहीं, क्योंकि तुम आज शेयर खरीद रहे हो, आने वाले साल में जो तुम कमा कंपनी कमाएगी उसका हकदार तुम होगे, तो तुम मेरे से 12 मांगोगी ना। तो मैंने क्या क्या चीज का पैसा दिया, मैंने कैपिटल का भी दिया, मैंने प्रॉफिट का भी दिया है, आई हैव पेड फॉर कैपिटल, आई हैव पेड फॉर प्रॉफिट दोनों। अब और प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी में तो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है ना, तो 12 हो गया 15, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 3, सो दिस इज अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टर। तो अब मेरे को आप बताओ, ये 2 लाख का मैंने पैसे भरा है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया, मैंने किया, अच्छा मैंने 2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन किया कि 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, क्यों, क्योंकि जिस दिन मैंने शेयर खरीदा उस दिन प्रॉफिट कितना था, उसके बाद 50,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, दिस इज अर्निंग्स फॉर मी ऑल्सो। सो डोंट यू थिंक मेरा अर्निंग्स को मैं अपना प्रॉफिट में ऐड करूंगा, ऑब्वियसली पूरा 100% नहीं करूंगा, 75% करूंगा, वो बात का बात है, बट मैं ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो। Is it okay? तो मैं जो पैसा भरता हूं वो किस चीज का, किस चीज का प्रॉफिट अर्न टिल डेट, टिल विच डेट, टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद सब्सिडरी जो भी कमाएगा वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, अर्निंग्स, उसको मैं अपने प्रॉफिट में ऐड करूंगा, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ चलिए अब इसको दिखाएंगे कैसे। मेरे पास में 1500 शेयर्स हैं,
ठीक है 75% होल्डिंग हो गया तो माइनॉरिटी कितना आएगा? हाँ 25%, राइट। नोट टू एक और बनाना पड़ता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि इसका अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन अलग करेंगे, पोस्ट डेट अलग करेंगे। तो अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन को अपन बोलते हैं प्री एक्विजिशन, क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसको अपने बोलेंगे प्रॉफिट अप टू 1407। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट 1407 ऑनवर्ड्स। पीएल अप टू 1.5 लाख, टोटल 2 लाख है, तो पोस्ट कितना? 50,000। आया ना? ठीक है, तो जिस दिन शेयर खरीदा वो इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे को बताइए, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन वाला प्रॉफिट का मैंने पैसा दिया है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, है या ना? हाँ, बाकी का माइनॉरिटी। और मेरे शेयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ वो मेरा भी कमाई है, तो ये होल्डिंग का पीएल में प्लस होगा, बाकी का माइनॉरिटी। क्योंकि मैं माइनॉरिटी का गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल रहा हूं, माइनॉरिटी का मैं टोटल क्लेम निकाल रहा हूं। तो प्री हो चाहे पोस्ट हो, माइनॉरिटी का सिंपल माइनॉरिटी में ऐड हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या किया, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन टोटल पीएल 1 लाख, टोटल 1 लाख, पोस्ट एक्विजिशन था ही नहीं क्योंकि जिस दिन मैंने शेयर अक्वायर किया वो बैलेंस शीट डेट ही था। तो यहां पे होल्डिंग 80%, माइनॉरिटी 20, 80,000, 20,000, इधर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, समझ में आया? तो सीधा ये 80,000 इन्वेस्टमेंट से लेस हो गया, देखना ये इन्वेस्टमेंट से सीधा लेस हो गया और 20,000 सीधा माइनॉरिटी में आ गया।
पोस्ट में कुछ कमाई हुआ ही नहीं है, होता तो मैं अपना पीएल के साथ ऐड करता। और माइनॉरिटी वाला तो माइनॉरिटी में ही जाता। तो प्रॉफिट टोटल माइनॉरिटी में चला जाएगा। जिस चीज का मैंने पैसा भरा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, उसके बाद वाला प्रॉफिट मेरे लिए भी कमाई है, उसको मैं अपना पीएल में लूंगा। आई थिंक दिस फंडा इज वेरी क्लियर। अप टू अप्रैल मैंने पैसा भरा है, आई हैव पेड फॉर इट, आई हैव पेड फॉर इट, पेड फॉर इट, तो मेरा इन्वेस्टमेंट से लेस हो रहा है, शेयर कैपिटल भी लेस होगा और ये वाला भी लेस होगा। अच्छा, शेयर कैपिटल में 75% करना, बट इसमें ऑलरेडी किया हुआ, यहां अपने वर्किंग नोट में कर ले रहे नीचे, राइट, एंड दिस इज अर्निंग्स, ये हमारे लिए कमाई है, माइनॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही माइनॉरिटी में ऐड होगा क्योंकि अपने माइनॉरिटी का टोटल क्लेम निकाल रहे हैं, माइनॉरिटी का बुक्स नहीं बना रहे अपन। क्लियर? इज इट ओके एवरीवन? चलिए, सो अब हम लोग को बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आज का ही बनेगा, लेकिन गुडविल कैपिटल इज बैक जाके निकालेंगे। शेयर कैपिटल किसका आएगा, कितना है? 6 लाख। रिजर्वेंस पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका अपने अलग से अब नोट बनाएंगे, क्यों बोलो तो, क्योंकि यहां करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। ध्यान से बताना, मेरा अपना आएगा कितना? 80। शेयर खरीदने के बाद वाला कमाई भी आएगा पोस्ट एक्विजिशन माई शेयर? पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम सब्सिडरी, ये मैंने आया ना, ये देखो दिस इज माय अर्निंग्स, इट विल कम हियर, कितना आ रहा है? 6 है कैपिटल रिजर्व पर देख लेते हैं है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग को नोट 4 बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कहां से मिलेगा ये? होल्डिंग का बैलेंस शीट से, वेरी गुड। लेस बोलो, शेयर कैपिटल ऑफ,
शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट? सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख का 75% कितना? 2 लाख का 75% 1.5 लाख है ना? और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, ऑलरेडी किया हुआ है 112500 डिवाइड किया हुआ है ना ऊपर में, ऊपर में कैपिटल रिजर्व लिख देंगे है ना। शेयर होल्डर फंड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में खाली होल्डिंग का पीएल शेयर कैपिटल आएगा, लेकिन सब्सिडियरी का वो प्रॉफिट आएगा जो मेरे शेयर खरीदने के बाद किए हैं। मेरा पीएल में ऐड हो गया और कैपिटल रिजर्व के लिए अपने को नेक्स्ट नोट बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ये कितना आ रहा है टोटल? 2,30,000। इसको अपन यहां भी दिखा सकते थे, मेरा पीएल के साथ जो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। और कैपिटल रिजर्व आएगा 112500, मिलाएंगे तो 230 आ जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी नोट 5। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड 2 लाख का 25 कितना? 50। प्री एक्विजिशन का माइनॉरिटी वाला शेयर कितना है? 1 लाख आ गया। ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, माइनॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता। टोटल प्रॉफिट देखो, तुम 2 लाख का 25% करो, टोटल प्रॉफिट 2 लाख था ना, 2 लाख का 25% करो, देखो 50,000 आएगा।
डन, पक्का बोलो। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स मेरा अपना कितना है, तुम्हारा वाला? टोटल सब्स टू नॉन करंट एसेट मेरा अपना कितना है? हाँ, 6,05,000। और तो पीएल को ब्रेकअप करेंगे, सब्सिडियरी का पी, मेरे को बताओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किसका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा? खाली होल्डिंग का, सब्सिडियरी का नहीं आएगा ना? ठीक है, तो सब्सिडियरी का पीएल को ब्रेकअप करेंगे अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन। अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन का मैंने पैसा भरा है तो इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, पोस्ट माई एक्विजिशन मेरे लिए भी कमाई है। अरे भैया, शेयर खरीदने के बाद कंपनी जो कमाएगी वो तो मेरे लिए कमाई है ना, मैं तो इन्वेस्टर की तरह सोच रहा हूं। तो जिसका मैंने पैसा भरा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त प्री वाला। और जो मैं पोस्ट के बाद में मेरे लिए भी कमाई है तो मैं अपना पीएल में ऐड करूंगा। अब माइनॉरिटी का फर्क नहीं पड़ता, प्री हो चाहे पोस्ट हो, क्योंकि उसका टोटल क्लेम निकाल रहे हैं अपन। तो सिंपल सा फंडा था, देखो चार 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 प्रॉफिट का चार ब्रेकअप किया था ना, प्री वाला यहां से लेस हो गया और मेरा पोस्ट वाला मेरा पीएल में ऐड हो गया। इसका मैंने पैसा भरा है, इन्वेस्टमेंट से लेस हो गया और ये मेरे लिए भी कमाई है तो मेरा पीएल में ऐड हो गया, राइट? माइनॉरिटी का प्री पोस्ट दोनों माइनॉरिटी में चला गया, चार हिस्सा। ठीक है, आइए नंबर फोर। कितना बजे? अब 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट मार्च 2000, जुलाई में एक्वायर की है, लेकिन प्रॉफिट मेरे को अप्रैल तक का ही दिया हुआ है। तो 2000 तक का प्रॉफिट कितना है? 50,000। और अप्रैल तक का प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो अप्रैल के बाद कितना हुआ? 30,000। तो अप्रैल से लेके मार्च 2000 तक, मतलब 12 महीना में 30,000। लेकिन अपने को प्री कहां तक का चाहिए? मतलब और 3 महीना डालना पड़ेगा, तो वो 12 महीना से 3 महीना यहां डाल देंगे।
हो गया। राइट तो यहां पे पहला बात तो होल्डिंग का रेशियो दे दिया तो नोट नंबर वन बनेगा नहीं। मैं भी कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहला नोट वन होल्डिंग रेशियो 80% माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपको कहां तक का चाहिए? अप टू 1 जुलाई तक का चाहिए। अभी हमको प्री एक्विजिशन कहां तक का दिया हुआ है? अप्रैल तक का। तो ये जो 20,000 है ये अप टू 1,4 है। दिस 20,000 इज अप टू 1,4। टोटल 50,000 हो गया। खाया ना तो 30,000 आएगा। हाँ ये 30,000 कहां से कहां तक का हुआ? अप्रैल 99 से लेके मार्च 2000। सर अपने को गलत है, देखिए यहां पे टाइमिंग डिफरेंस मैच नहीं कर रहा। अपने को प्री चाहिए अप टू जुलाई, लेकिन अभी हमारे पास अप टू अप्रैल है। तो अप्रैल 99, मई 99 और जून 99 कहां दिख रहा है तुमको? बोलो अप्रैल मई जून 99 तुमको कहां दिख रहा है? यहां पोस्ट में दिख रहा है, इस 30,000 में दिख रहा है, हां या ना? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट। थर्टी थाउजेंड में से 3 महीना यहां से निकाल दो और यहां प्लस कर दो। थर्टी थाउजेंड को यहां से निकाल कर यहां प्लस कर दो। आया ना? तो अब कितना आएगा? ये आ गया 27,400। अब ये अप टू कहां तक का बन गया? अब ये जुलाई तक का बन गया और ये माइनस करने से आया 22,500। ये कहां से कहां तक का है? जुलाई 99 से, क्योंकि इसमें से 3 महीना निकाल दिया ना, जुलाई 99 से मार्च 2000 तक का। हमको चाहिए अप टू जुलाई, हमारे पास अप टू अप्रैल है, इसका मतलब अप्रैल मई जून पोस्ट में घुस गया है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर है ना। चीज को समझो, अकाउंटिंग ईयर है ये। अगर हमको अप टू अप्रैल दे देता तो माथा ही नहीं था। अप टू
अब तू जुलाई दे देता तो अपन माथा ही नहीं लगाते, लेकिन अपन को जुलाई तक का चाहिए और अपने को अप टू अप्रैल दिया है तो टान के निकालेंगे। जिस दिन आपने अक्वायर किया वहां तक का प्रॉफिट चाहिए हमको, और वहां तक का प्रॉफिट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन जो प्रॉफिट आया 1 जुलाई तक का जो प्रॉफिट आया, इसका क्या करेंगे हम, इसका पैसा भरा है मैंने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, और जुलाई ऑनवर्ड्स वो मेरा कहां ऐड होगा, मेरा पीएल में, क्योंकि ये मेरे लिए भी कमाई है। इज इट फाइन, इसका ब्रेकअप कर लो। होल्डिंग 80, माइनॉरिटी 20, बाईस हजार, 5,500, 18,000, 4,500। सर ये दोनों जो है ये तो माइनॉरिटी में प्लस होगा, ये वाला होल्डिंग पीएल में प्लस होगा, और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस होगा। ठीक है, बड़े आ गए, इधर माइनस करके यहां प्लस कर दिया। शेयर कैपिटल किसका आएगा, कितना है, खाली होल्डिंग का आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका आएगा, होल्डिंग का आएगा, लेकिन मेरा शेयर ऐड होगा और कैपिटल रिजर्व अगर हुआ तो वो आएगा। तो पीएल कितना है मेरा, मेरा पीएल कितना है चेक करो, 1,50,000, इसमें मेरा हिस्सा ऐड होगा 18,000 का, वन लैख फिफ्टी में मेरा हिस्सा ऐड हो गया, कितना आया, 1,68,000। अच्छा कैपिटल रिजर्व है कि नहीं चेक कर लेता हूं, नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा,
होल्डिंग का बैलेंस शीट से, वेरी गुड। कितना है? इन्वेस्टमेंट 80% लिखा है ना, 1 लाख। लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कितना? 1 लाख का 80% कितना होता है? 80,000। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मालूम है ना, ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, कितना? 22,000। है ना, तो अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट से लेस हो गया, बियॉन्ड डेट ऑफ एक्विजिशन मेरा प्रॉफिट में ऐड हो गया, राइट? है ना, इज इट फाइन? तो ये जो हम लोग यहां दिखाए इसका वर्किंग नोट अलग से बना सकते हैं अपन, माइनॉरिटी आएगा अब, वन लाख का 20%, 20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी का 5.5, पोस्ट एक्विजिशन 4.5, बोलो। हाँ, वन लाख प्लस उल्टा लिख गया मैंने। वन फिफ्टी मेरा है, 1 लाख तुम्हारा है, टोटल सब्स टू हाउ मच? एसेट लाइबिलिटी में तो कोई किंतु परंतु नहीं, लाइन बाय लाइन ऐड करना है। तीन लाख प्लस 1.5 लाख,
तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट का बेसिकली चार हिस्सा हो गया, प्री का होल्डिंग माइनॉरिटी, पोस्ट का होल्डिंग माइनॉरिटी। गुडविल कैपिटल रिजर्व कब निकलता है, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो मेरे लिए भी कमाई है, तो अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट है वो मेरा इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में ऐड होगा, पोस्ट दैट मेरा वाला मेरा प्रॉफिट में ऐड होगा, माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में जाएगा। तो माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। इधर में देखो टोटल प्रॉफिट सब्सिडियरी का कितना है, 50,000, उसका 20% करो, देखो यही आएगा। दस हजार, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो होमवर्क कुछ नहीं है, इसी को वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। बाय बाय।